राम राम जी सभी को भाई जी। आगे मैं थाने घर ने स्वस्थ रखने की ट्रिक जो है वो बताती रू शुरू करिए। इतनी ज्यादा तो कौन बताई, भाई एक आधी बता दी है। अब देखो भानो थान बताऊंगी आज मैं, ये जो मार्बल या टाइल लागेड़ो है नी घर में अपने तोड़ के बीच में, ये जॉइंट हो है नी, जॉइंट का मैं व्हाइट सीमेंट को जो है नी वो करेड़ो है भाई, गालेड़ी हुआ है मैं, बाकी है निकल जाए। निकलने के बाद में पानी भर के नमी आन को बह रहा है नीचे का, ठीक है। दूसरी बात कीड़ी जो है नी, कीड़ी बहुत निकलने लग जाए भाई आन में, कर फिर सुराख कर ले। तो मैंने अन्न भरने के लिए देखो दे व्हाइट सीमेंट ली है, ठीक है, जिस भी थारी मर्जी हो उस कंपनी की थे ले, इसको कंपनी को बताऊंगी मैं। और मैं ली है भाई वेल्ट्रॉन, या तो कंपनी को नाम मल्टीपर्पज पॉलीमर ली हुए, ठीक है, मल्टीपर्पज पॉलीमर। ये दो चीज जो है नी भाई मिक्स कर लिए, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और सबसे पहले आप आंगन में धो लेना चाहिए भाई, ठीक है, एकदम से साफ पानी से आंगन में धो लेना चाहिए। ये लगावे उस दिन, सीमेंट लगावे उस दिन, अच्छी तरह पानी मार मार के आंगन एकदम साफ कर लेना चाहिए। अगर फिर भी लेट हो जाए, थोड़ी बहुत रेत रह जाए, तो इस तरीके से जो है नी ब्रश से जो है नी भाई आप इनके अंदर को रेत निकाल देना, ठीक है। या मैंने कपड़ा धोने की ब्रश ले रखी है भाई, तामी दूसरी कोई भी ब्रश गर्म हो पाले इसको, ठीक है। अब देखो भाई लगाने को तरीको बता दू थाने, तो लगावांगा भाई इस तरीके से। और साथ के साथ है नी इस पत्ती से, ये देखो यू जो है नी एक्स्ट्रा जो लगी है नी बा पूछ देंगा भाई, अगर थोड़ी बहुत भी रह जाए ना, या फिर दूसरे दिन पोचम आ जाए भाणो बिल्कुल ही कौन रहे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से इसने जो है नी भर देंगा, अगर या कोई रह गई है तो उसमें फिर से दोबारा, ये देखो इस तरीके है, थोड़ी दाब दे दे के भरनी है भाई, ठीक है, तो देख लो भाणो दाब का बिना भरी नहीं जागी भाई। या देख लो भाई एकदम से शानदार भर दिए, ठीक है। तो भाई देखो घर जो है नी जितना आपा मतलब निगरानी रखांगा घर की, आपा बढ़िया तरीके से रखांगा, तो ही घर जो है नी ज़्यादा दिन तक बढ़िया रहेगा भाई। नहीं तो देखो मार्बल जो है नी या कड़ी निकल जाए उरे करे सीमेंट, फिर उरे करे रेत रेत बढ़ना चालू हो जाए, तो गंदगी होनी चालू हो जाए, फिर मार्बल भी मार्बल हो जाए टुकड़ी हो चटकनी भी चालू हो जाए भाई, उरू चटकनी को मतलब धीरे धीरे टूटनी चालू हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये देखो एन थोड़ा थोड़ा ही आई, इसमें गांठ सी हो जाए, थोड़ी सी ठंडी होती है, यहाँ ठंडी नहीं मतलब ज़्यादा देर होती है हवा लागना तो भाई, ठीक है। तो ये देखो भाई थोड़ी थोड़ी दाब देगी भरनी है भाई, ये देखो अदर अदर करा तो बिल्कुल कोली मरी जाएगी, यहाँ थोड़ी थोड़ी हाथ जो है नी वहाँ दाब देनी है। और फिर यो इस तरीके से इसमें हाथों हाथ साफ कर देंगे, ये देखो एकदम से सही भरी गई है। हर दो तीन बारिश के बाद तो जरूर जरूर भरनी चाहिए भाई, ठीक है, मान लो रोज नहीं भरी जा, हर दो तीन महीना भरनी चाहिए, लेकिन बारिश के बाद तो जरूर ही भरनी चाहिए भाई अन्न, क्योंकि बारिश से ज्यादा पानी पड़े नहीं तो यह जो सीमेंट है यह निकल जाए, ठीक है। तो भाई अगर मेरी ट्रिक पसंद आई हो थाने, तो भाई चैनल पर अगर नया हो तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर ट्रिक अगर पसंद आई हो मेरी तो लाइक कर दीजिए जनता जनता वीडियो, ठीक है नी, लगना करियो तो पास जनता लाइक कर दीजिए जरूर भी। फिर मिलेंगे, बाय बाय।